हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो X100 प्रो फ़ोन है, तो वीवो X100 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर होम स्क्रीन लेआउट को आप कैसे अनलॉक कर सकते हैं अपने वीवो X100 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और होम स्क्रीन लेआउट को कैसे अनलॉक कर सकते हैं अपने वीवो X100 प्रो फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि होम स्क्रीन लेआउट को अनलॉक कैसे कर सकते हैं और लेआउट्स को आप कैसे बदल सकते हैं होम स्क्रीन मतलब वीवो फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं शो हो रहे हैं, तो सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सिंपली आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की जो सेटिंग्स है आपके फ़ोन में आ जाएगी। तो इसमें जो भी आप होम स्क्रीन लेआउट को अनलॉक करना चाहते हैं तो होम स्क्रीन लेआउट को भी अनलॉक कर सकते हैं, लेआउट्स को अनलॉक करके बदल सकते हैं फ़ोन में। तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है तो आपको सर्च करना है यहाँ से, या फिर सनसी बैक करके आपको चले जाना है लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग्स पे। तो लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग्स से आ जाएगी, जहाँ से होम सेटिंग्स पे चले जाना है। तो होम सेटिंग्स पे जाकर जो भी आप होम स्क्रीन लेआउट को अनलॉक करना चाहते हैं तो आप अनलॉक भी कर सकते हैं। तो लेआउट है जो भी आपका, यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। ऑफ़ करते ही आपके फ़ोन में लेआउट से अनलॉक हो जाएगा, जहाँ से लेआउट्स को आप बदल सकते हैं एंड आप चेंज भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे आपका लेआउट है, आप 5.6 कर सकते हो। लेआउट्स आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके से शो करेगा, जब आप लाइक कर देंगे तो लेआउट आपके फ़ोन में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से भी लेआउट्स को आप चेंज कर सकते हैं अप्लाई करके, एंड आप लॉक करना चाहें लेआउट्स को तो लॉक कर सकते हैं, एंड आप अनलॉक करना चाहें तो अनलॉक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से होम स्क्रीन लेआउट को अनलॉक कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो